हेलो दोस्तों, सब कैसे हैं? पूरे देश में कोरोना महामारी से सब परेशान हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और जो हमारे कार्यक्रम है वो तो चलते ही रहेंगे। तो लव गुरु के इस एपिसोड में आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हाजिर हूँ मैं फिर कुछ नए सवालों के साथ। तो आइए शुरू करें आज का प्रोग्राम। आज का पहला सवाल है सोनू का। कहते हैं, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को हमेशा घुमाने ले जाता था। महीने में दो बार तो हम कहीं जाते ही जाते थे, चाहे वो मूवी देखें चाहे गार्डन में जाएं, मस्ती करते थे। लेकिन अब जब से लॉकडाउन लगा है हम कहीं जा नहीं पा रहे हैं। इस बात को लेकर के हमारी लड़ाई भी हो जाती है और मुझे डर लग रहा है कहीं इस लॉकडाउन की वजह से हमारा ब्रेकअप ना हो जाए। तो आप बताइए मैं क्या करूं? मैं लड़ाई नहीं लड़ना चाहता, उससे बहुत प्यार करता हूं। मैं चाहता हूं उसे घुमाने ले जाऊं, लेकिन माहौल को देखते हुए डर भी लगता है। सोनू जी, कितना प्यार करते हो आप अपनी गर्लफ्रेंड से, गुड। लेकिन आपकी बात भी सही है, इस कोरोना महामारी से बचना ज़रूरी है, सुरक्षित रहना ज़रूरी है, घूमना फिरना होता रहेगा। और मैं यही कहूँगी, यही चाहूँगी कि आपका ब्रेकअप कभी ना हो। आप हमेशा एक दूसरे के साथ रहें, खुश रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल कहीं जा नहीं सकते। अगर आप लोगों का ये रूटीन था, ये नियम था कि आप हमेशा कहीं ना कहीं घूमने जाते थे, तो अब थोड़ा थोड़ा माहौल व्यवस्थित हो रहा है, आप दोनों आसपास कहीं जा सकते हैं। दूसरे शहर में नहीं, अपने शहर में कहीं घूम सकते हैं, हमेशा नहीं कभी कभी। अब लॉकडाउन को इतना समय हो गया है तो जाहिर सी बात है लड़ाई हो रही होगी, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं। तो आप एक दिन निकालिए और साथ में जाइए, घूमिए आसपास कहीं, और आपकी गर्लफ्रेंड की शिकायत दूर हो जाएगी और आपका प्यार हमेशा इसी तरह बरकरार रहे। आज का दूसरा सवाल है नेहा का। कहती हैं, मैं जिस लड़के से प्यार करती थी वो भी मुझसे बहुत प्यार करता था। मुझे लगता था कि इसके अलावा मुझे कोई चाहने वाला मिल ही नहीं सकता। हर टाइम वो मुझे ढूंढता, अगर मैं नज़रों से ज़रा भी उससे दूर होती उसकी नज़रें सिर्फ मुझे तलाशती। हम रिलेशन में भी हैं, लेकिन एक दिन मैंने देखा वो किसी और के साथ घूम रहा था, और बिल्कुल भी देखने से ऐसा नहीं लग रहा था कि उस लड़की से उसका रिश्ता कुछ और होगा। बिल्कुल गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की तरह वो दोनों बातें कर रहे थे, घूम रहे थे। मुझे बहुत गुस्सा आया। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। क्या मैं उसे भूल जाऊँ, क्या फिर मैं उससे बात करूँ? क्यों उसने मेरे साथ ऐसा किया? नेहा जी, देखिए आजकल भाई बहन भी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की तरह बातें कर लेते हैं, यानी कि फ्री होते हैं। घूमना फिरना दूर से अगर इंसान देखेगा तो ऐसा ही महसूस होगा कि वो भाई बहन नहीं है। मुझे लगता है जब आप दो एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करते थे तो आपको ऐसे पीछे नहीं हटना चाहिए, मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए। हो सकता है वो बहन हो सकता है रिश्तेदार हो सकता है और भी कुछ हो, ज़रूरी नहीं कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड ही हो। तो मैं तो यही कहूँगी, आप बात करिए और बात करने के बाद फिर समझिए कि क्या है सच्चाई, आपको पता चलेगी, उसके बाद फैसला लीजिए। और मैं चाहूँगी कि आपका प्यार आपको ज़रूर मिले। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर आपके मन में भी है कोई सवाल लव से जुड़े, रिश्ते से जुड़े, तो हमें लिख भेजें। हमारी मेल आईडी है khabarlahariya@, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9821382999। मिलते हैं फिर अगले हफ्ते कुछ नए सवालों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।